घरों से निकल कर मल्ली से कहा तो तेरह मई के दिन असद साहब भारी बहुमत से आएंगे हैदराबाद के अंदर एक ही गूंजे श्री असद साहब असद साहब असद साहब असद साहब जिंदाबाद 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 असद साहब जिंदाबाद। आज में MIM जीतेगी। MIM का चर्चा है आवाम को, MIM को हर मजहब के मानने वाले मानते हैं, चाहते हैं और वोट देते हैं। इस तरह से कई साल से MIM जीत के आ रही है और आवाम के मजहब भी आपके क्षेत्रों में आ रही है। कांग्रेस भी बीजेपी 1.5 लाख से जीत का दावा कर रही है। कितने थे? 1.5 लाख। 1.5 लाख सवाल ही पता नहीं होता। कुछ भी कर लो, बीजेपी यहाँ पे मजलिस का हमेशा से गढ़ है और मजलिस ही जीतेंगी इंशाल्लाह ताला। आप देख लीजिए, खाली पता डेवलपमेंट कितना है। देखिए आप, असदुद्दीन अवैसी साहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी दारुसलाम जाता है उनका काम होता है वहाँ पर। खाली ऐसे ही बातें करके पब्लिक में फिर के दीवाने बातें करके मजलिस नहीं जीतती कभी। का है MIM का है, ऐसे कईयो आए कईयो चले गए, बहुत आके बहुत चले गए यहाँ पर। इंशाल्लाह 5 लाख चिल्ला रोड से जीते थे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इंशाल्लाह 6 लाख। अस्सलाम वालेकुम। MIM ओनली MIM, क्योंकि जो काम करेंगे उसको वोट देंगे हमेशा। जो है MIM काम करें यहाँ से, MIM सब जो है इधर उधर की बात करते लेकिन असद साहब हमारे दिल की बात करते। MIM जी भाई माशाल्लाह जी है माशाल्लाह। अच्छा, बहुत बेहतरीन माहौल है, सब असद साहब को चाहने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। भारी अक्षर से असद साहब को जिताया जाएगा इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही है, कैसा देखते हैं आप? जी जोरों शोर से है और एक ही माहौल चलता है इधर MIM का। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को ही जिताना है भारी से भारी अक्षरियत से। हमेशा ही वो जीतते आए हैं, उनकी काम की और उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे उनको जिताना है। पूरी पब्लिक का यही रुझान है यहाँ पर। असदुद्दीन अवैसी साहब बड़े साहब आएंगे, साहब आने वाले, अब के असद साहब है, असद साहब आने वाले हैं इंशाल्लाह अजीम। बहुत भारी बहुमत से जीतूंगी इंशाल्लाह अजीम। इंशाल्लाह ताला इस बार तो आने गैसों वक्त से भी ज्यादा वोट आएंगे और उससे भारी अक्षर से जीतोगे MIM की। MIM जिंदाबाद। हम सब की दुआ है असद साहब के साथ इंशाल्लाह। हैदराबाद में क्या चलता है? हैदराबाद में हमेशा MIM चलता, अभी भी MIM ही चलने का। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास MIM है और MIM पार्टी रहेंगी, या बीजेपी आ जान दो या RSS आ जान दो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी MIM थी और MIM रहेंगी। और सरकारपरस्त ताकत है, कोई बोल रहा है बीजेपी का टारगेट, कोई बोल रहा है उनका टारगेट, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब तक रहेंगे, या बीजेपी आ जान दो या RSS आ जान दो, हमें मतलब नहीं है। हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को हमेशा जिताएंगे, आज भी जिताए कल भी जिताएंगे। अगर हम मर गए तो आने वाली हमारी औलाद भी हम बताएंगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को कामयाब करो। लोग पूछते हैं मजलिस क्या करी, अरे जाकर देखो, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, BA नर्सिंग कॉलेज है, यतीम यसीर के लिए, बच्चों के लिए अकबर साहब ने स्कूल बनाए चंद्रायन गुट्टे में, अपनी मेहनत के पैसों से बनाए। अवाम के दरमियान में रहने वाले का नाम अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी है। किसी के मोहताज नहीं है अकबरुद्दीन अवैसी, अल्लाह के मोहताज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पढ़ा रहे इंजीनियरिंग कॉलेज में और मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि बच्चों को काबिलियत है। ये बच्चे पढ़कर उनको दुआ दे और आगे चलकर ये स्कूलों को आबाद रखेंगे। और हमको कोई पार्टी से ताल्लुकात नहीं है, सिर्फ ताल्लुकात है तो मजलिस सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से है और दारुसलाम से है, और दारुसलाम के अवाम से हमारे मोहब्बत है। यहाँ जुल्फ़िकार साहब से अभी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मिले हमसे, बहुत बहुत उनका धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। हम कारवान के हैं इंशाल्लाह ताला, दुआ करेंगे। और बीजेपी इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी
में आएंगी नहीं, हम मर गए तो आने वाली औलाद भी हम बीजेपी को नहीं देखेंगे, इंशाल्लाह ये देखेंगे तो मजलिस को देखेंगी, मजलिस सदर बैरिस्टर सुद्दीन अवैसी को देखेंगे। वाह।